नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। 14.5 इंच हमने लंबाई ली है, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच, बटन गले पर ये डिजाइन है। अब गले की कटिंग बुकरम पर करेंगे। चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और इसकी लंबाई लेंगे 11 इंच। ये निशान करने के बाद अब हमें गले का इस तरह से निशान निकाल लेना है। यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ लिया है और इस तरह मटके गले का निशान निकाल लिया है। अब इसे हमें दूसरी तरफ से भी निकाल लेना है। ये पूरा निशान गले का देखिए, इस तरह निकालने के बाद ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब इसे कपड़े पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये लाइनिंग वाले कपड़े पर रखा हमने, पहले एक सीधी सिलाई पर डाल देंगे, उसके बाद साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचा कर रखना है और उस पर फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है। तो अब इस तरह से सिलाई को फोल्ड करते हुए डाल देंगे पूरे पर। तो इस तरह सिलाई डालने के बाद हमारे गले की पट्टी तैयार हो जाएगी। उसके बाद गले को बनाना है। तो ये पट्टी हमारी तैयार हुई। अब देखिए गले को इस तरह से बनाएंगे। इस पर भी लाइनिंग कर लेते हैं ताकि गला बिल्कुल बराबर से बने। अब दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे और पहले एक सीधी सिलाई इस पर डाल देंगे। तो ये हमने सीधी सिलाई डाली है पूरे गले पर। जहाँ से गले का निशान है वहीं से सिलाई लगा लेनी है। तो हमने गले पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद गले की कटिंग कर लेना है। तो अब इस तरह से गले को कट कर लेंगे। गले की हमारी कटिंग हो गई है। पूरे गले पर हमें कट्स लगाने हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से कट लगा देंगे। उसके बाद पट्टी को पलटना है। तो पहले पूरा कट लगा लेंगे पूरे गले पर, उसके बाद इस तरह से पट्टी को पलट लेना है अंदर की तरफ और ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से सिलाई लगा कर गले को तैयार कर लेना है। तो हमने इस तरह से देखिए सिलाई लगा ली है। गला हमारा तैयार हुआ। अब हमें इस पर डिजाइनें तैयार करनी हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए इस तरह से कपड़ा लेना है। पट्टी हमें बनानी है। पूरी डिजाइन पर पट्टी का ही यूज है। तो देखिए इस तरह से पट्टी बना लेंगे। सीधे कपड़े पर भी बनाएंगे और तिरछे कपड़े पर भी। जो सीधे कपड़े पर बनाएंगे उसे कट करना रहेगा। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। आधा इंच चौड़ाई के हिसाब से सिलाई लगाइए ताकि तैयार पट्टी की चौड़ाई आधा इंच रहे। अब इस तरह से इसको पलटेंगे और पलटने के बाद इसे कट करना है 2-2 इंच की। तो ये हमने पलट लिया है। अब हमें 2-2 इंच की कट कर लेना है। तो इस तरह से 2-2 इंच की कट कर लेंगे। ये पूरे गले पर रहेगी ये वाली डिजाइन। तो पूरे गले के लिए हमने कट कर लिया है बनाकर। अब इस तरह से इसको लगाना है। बीच में जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही गैप दे देंगे और पूरे गले पर एक बराबर से इसको लगा लेंगे। तो इसी तरह हमें पूरे गले पर लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये डिजाइनें लगा ली है। अब बीच में जो डिजाइन रहेगी उसके लिए हमें पेपर पर निकालना होगा। तो पेपर को हमने फोल्ड किया और जहाँ से फोल्ड किया उसको बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से निकाल लेना है। पेपर पर निकालेंगे। अब डिजाइन पेपर पर ही बनेगी, उसके बाद गले पर लगाना रहेगा। तो इस तरह से देखिए निकाल लेंगे दोनों साइड बिल्कुल बराबर से। इस तरह निकाल लेना है निशान हमें। जहाँ से डिजाइन बनेगी उसको पेपर पर निकाल लिया है। पेपर पर निकालने के बाद अब देखिए इस तरह से बनाना है। अब हमें डोरी बनाकर छोटी छोटी सी कट कर लेना है। इसी कपड़े की डोरी तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसे कट कर लेंगे छोटी छोटी सी। अब देखिए इस तरह इसको लगाना है। जहाँ से निशान किया है बिल्कुल वहीं से इस तरह रखते हुए लगा लेंगे इसे। एक बराबर से रखते हुए देखिए लगाना है। तो इस तरह से एक बराबर से रखते हुए लगा लेंगे। तब पूरे पर यहाँ तक देखिए लगा लेना है इसे।
तो ये यहाँ तक देखिए इस तरह से लगा लिया है। इसे लगाने के बाद हमें पट्टी लेना है, जो पट्टी हमने तिरछे कपड़े पर बनाई है उसको इस तरह से अब इस तरह से हमें पट्टी लगा लेना है। दो लाइन लगाएंगे एक साइड से, एक हमने लगा ली, अब इधर से लगा लेंगे। उसके बाद इसके नीचे एक लाइन और लगानी है। अब यहाँ पर पट्टी दोनों को एक दूसरे के ऊपर सटाकर सिलाई लगाएंगे नीचे। अब देखिए दूसरी लाइन लगाना है इस तरह से। अब हमें दूसरी पट्टी लगानी है, बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और यहाँ पर इसी से टच करते हुए सिलाई डालेंगे। तो इसी तरह लगा लिया, अब दूसरी तरफ भी लगा लेना है। ऊपर से गैप देना है थोड़ा सा और नीचे टच करके सिलाई लगा लेना है ताकि एक दूसरे से सिलाई में जुड़ी रहें। अब इसको गले पर देखिए इस तरह लगाना है, बराबर से मिलाकर यहाँ पर पिन लगा देंगे। और यहाँ पर पिन लगाने के बाद ही सिलाई लगाएंगे। पेपर पर निशान बिल्कुल गले का जहाँ से हमने निकाला था बना हुआ है, बिल्कुल वहीं से सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छे से मिलाते हुए अब इस तरह से सिलाई लगा कर इसे लगा देंगे। तो हमने इसे लगा लिया है। अब हमें पेपर बाहर वाली साइड से निकाल दिया है, अंदर वाली साइड के डिजाइंस पूरा होने के बाद निकालेंगे। अब देखिए ये तिरछे कपड़े पर जो पट्टी ली थी उसको इस तरह गले पर लगाना है। बीच वाली डिजाइंस पर लगाई, अब गले पर भी इसको इस तरह से लगा देंगे। पूरे गले पर इस तरह पट्टी हमने लगा ली है। पट्टी लगाने के बाद अब देखिए इन डिजाइनों पर मोतियाँ लगानी है। पूरा काम हाथ से ही करना है, मशीन का काम इस पर हो गया है, मोती लगानी बाकी रह गई है। तो इस तरह से देखिए मोतियाँ लगाएंगे, इन डिजाइनों पर लगाएंगे। उसके बाद जो गले पर डिजाइन से पट्टी लगाई है उसके बीच में भी लगाना है। पहले इसको पूरा कर लेंगे, हर एक डिजाइंस के बीच में एक एक करके मोती लगाएंगे जिस साइज़ किस पर आएगी। तो हमने लगा लिया है। अब देखिए इन पट्टियों के बीच में इस तरह से लगानी है। डबल मोती लेंगे, जितना गैप है उतनी उस हिसाब से मोती लगेगी। दो दो मोतियों के हिसाब से यहाँ पर हमने छोड़ा है। अब दो दो मोती डाल देंगे और पट्टी पर भी पकड़ कर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह पूरे पर लगा लिया है देखिए। उसके बाद अब देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे से फ्लावर बना लेने हैं, जो कि हमने कपड़े से ही बनाए हैं। इस तरह इसको लगा देंगे। इसे लगाने के बाद ऊपर एक मोती लगा देंगे। अब इसके साइड में एक लगाएंगे उस लाइन पे, फिर एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है। एक नीचे लगा देंगे, उसके बाद एक एक करके लगा लेंगे पूरे पर। फिर हमने लगा दिया है, डिजाइन हमारा बन के तैयार हुआ। पेपर निकाल देंगे लास्ट में और इसका प्लेट्स बना देंगे दोनों। तो डिजाइंस बन के तैयार हुआ। डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।